नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह 11th कक्षा का आपका 8वां अध्याय, जिसमें हम वायुमंडल और संगठन एवं संरचना से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने जो भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं हमने उनको बिल्कुल यहाँ पर लिखा है, और वही आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। तो इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा आज, वो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, जो नाइट्रोजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उनका क्या महत्व है। आपके एग्जाम में जो पहला प्रश्न महत्वपूर्ण आ सकता है, जो लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक नंबर के प्रश्न नहीं आ रहे, तो यहाँ पर जो आंसर राइटिंग हमारी रहेगी वो 3 मार्क्स में, और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं हम उनको करने का प्रयास करेंगे। तो 3 मार्क्स का भी हो सकता है और 2 मार्क्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रश्न रहेगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है। देखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे वायुमंडल में अनेक गैसें पाई जाती हैं, बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, लेकिन जो ये 3 गैसेज हैं ना, इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। इनका क्या है? बहुत ज़्यादा महत्व है। अब देखिए, ये जो गैसेज हैं, सबसे पहली बात तो ये कि ऑक्सीजन जो गैस है उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन को जीवन दायिनी गैस माना जाता है। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में ना हो, हमारे एटमॉस्फेयर में ना हो, तो इससे क्या होगा? हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, और हो सकता है कि हमारी बिल्कुल हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो बिना ऑक्सीजन के तो आप सोच ही नहीं सकते कि हमारे बिल्कुल हमें उससे मतलब हम जिंदा रह सकते हैं। दूसरा, किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए हमें उसके लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा भी बहुत अच्छी खासी मात्रा में, एक्चुअली नाइट्रोजन ही हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक है। एक्चुअली 78% जो हमारे वायुमंडल में है वो आपके नाइट्रोजन है, 21% पॉइंट समथिंग कुछ करके बाकी ऑक्सीजन है, और जो कुछ परसेंटेज अब बच गया है इसमें वो अन्य गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है, 1% में मतलब लगभग, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो है, नाइट्रोजन क्या है? देखिए, नाइट्रोजन जो होता है वो क्या करता है कि एक अच्छे स्तर पे क्या करता है कि नाइट्रोजन जो स्थिति है उसकी, वो वायुमंडलीय दाब हो गया, पवनों की शक्ति हो गया, और एक प्रकार से जो परावर्तन हो गया, और ख़ास तौर पर जो नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधों को प्रोटीन का निर्माण करता है। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनमें प्रोटीन का निर्माण करता है, जो भोजन का मुख्य अंग होते हैं। अगर ये नाइट्रोजन नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, और आपको पता है कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या हो सकता है, ठीक है। तीसरा हमारा जो रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये सबसे भारी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होती है। अब इस कारण से क्या होता है कि सबसे निचली परत में मिलती है, और यह पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है, और ग्रीन हाउस गैस भी है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये तीनों ही गैसें बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, अगला प्रश्न आता है कि सौर मंडल को जीवनदायिनी परत क्यों कहा जाता है? जीवनदायिनी का मतलब यहाँ जीवन क्यों है, मतलब है ना। देखिए, सौर मंडल क्या है कि हमारे वायुमंडल में 5 मंडल है। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है तो उसमें 5 मंडल है। सबसे पहला आपका है सौर मंडल, दूसरा आपका है समताप मंडल, तीसरा आपका है मध्य मंडल, चौथा है आपका आयन मंडल, पांचवा आपका है बाह्य मंडल, ठीक है। लगभग 18 किलोमीटर जो आपका रेंज है वो आपका सौर मंडल, 18 से 50 आपका समताप मंडल, 50 से 80 आपका मध्य मंडल, 80 से लगभग 400 जो आपका 400-500 का रेंज रहेगा वो आपका आयन मंडल है, और लगभग जो 400 के ऊपर जो रेंज आपका जाएगा वो आपका बाह्य मंडल में आपका अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसकी शेड्यूलिंग है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है कि ये क्यों है ऐसा, तो देखिए जीवन यहीं पर है क्योंकि वायु जो हमारे है वो सौर मंडल में ही विद्यमान है, इसीलिए यहाँ जीवन। अब देखिए, सौर मंडल को जीवनदायिनी परत समझा जा सकता है क्योंकि जीवन रहने के लिए समस्त जो अनुकूल दशाएँ हैं वो यहीं पाई जाती हैं। मतलब जैसे कि वायु का चलना हो गया, वर्षा का होना हो गया, बिजली का चमकना हो गया, बादलों का बनना हो गया, मौसम संबंधित जो भी घटनाएँ घटती हैं वो इसी परत में घटती हैं, इसलिए इसको जीवनदायिनी परत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि वायुमंडल में धूल कणों के क्या महत्व है, मतलब धूल कण जो है उनके क्या महत्व है हमारे वायुमंडल में। देखिए, जो धूल कण होते हैं बेसिकली वो सूक्ष्म धूल, जो आपके धूल कण होते हैं बड़ी जो हमारे वायुमंडल में उड़ते रहते हैं ना, इसके बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं से आप कह सकते हैं कि इसका काफ़ी महत्व है। जैसे कि जो सूक्ष्म धूल कण होते हैं, जो समुद्री आपका नमक होता है, धुएं की कालिक राख होती है, उल्कापात जो कण शामिल होते हैं, ये धूल कण हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अब कैसे हैं? देखिए,
इसमें अधिकांश क्या होता है कि आर्द्रता ग्राही केंद्र बन जाते हैं। आर्द्रता ग्राही केंद्र का मतलब मान लीजिए धूल कण ऐसे ऐसे मौके बिखरे हुए हैं बिल्कुल बहुत सारे भाग में, तो यहाँ पे केंद्रक का निर्माण करेंगे, तो आर्द्र एक प्रकार से आर्द्रता ग्राही केंद्रक बनाएंगे, मतलब इनमें आर्द्रता रहेगी, नमी रहेगी एक प्रकार से, ठीक है। और वायुमंडलीय जो एक जल वाष्प का संघनन होता है ना, इसी से क्या होता है कि बादल का निर्माण होता है। मान लीजिए धूल कण ऐसे ऐसे बिखरे हुए हैं, चारों तरफ बिखरे हुए हैं, ठीक है, ये केंद्रक का निर्माण कर देंगे। जैसे ही केंद्रक का निर्माण करेंगे, इसी प्रक्रिया से क्या होता है, संघनन शुरू होता है, मतलब इकट्ठा शुरू होता है, और फिर बादल बन जाते हैं। और आपको तो पता है कि जो बादल होते हैं उससे वर्षा होती है, तो वर्षा बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो धूल कण होते हैं वो सूर्य तप को रोकने का काम भी करते हैं। एक तो मतलब क्या, वर्षा करवा रहे हैं, दूसरा ये सूर्य के तापमान को रोकने का काम भी कर रहे हैं, उसके परिवर्तित कर रहे हैं। परावर्तित का मतलब मान लीजिए धूल के कण है तो सूरज की जो किरण ऐसे आई तो वो परावर्तित हो गई, ऐसे आई और ऐसे चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई, ठीक है, इसको परावर्तित करने का काम भी ये कर रहे हैं। देखिए, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में जो लाल रंग और नारंगी रंग की जो छटाएं हैं उसका निर्माण भी ये करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि सौरमंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों समझा जाता है। जैसे कि अभी हमने बात करी लगभग कि जो हमारा सौरमंडल होता है बेसिकली वो लगभग लगभग आपको याद रखना है कि सौरमंडल जो है हमारी सबसे निचली परत है। देखिए, औसतन इसका 13 होता है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया 18 किलोमीटर तक हो सकता है लगभग। भूमंडल रेखा आपका वहाँ पर 18 है और ध्रुवों पर 8 है, और औसत एक्चुअली इसका 13 रहेगा, तो सौरमंडल औसत जो उसका किलोमीटर है वो 13 है, लेकिन 18 किलोमीटर मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा जो होता है वो सौरमंडल की जो ऊंचाई सर्वाधिक होती है, और यहाँ पर चलने वाली समनी धाराएं होती है, मतलब एक हवा की जो समनी धाराएं होती है जो ऐसे चलती हैं, ठीक है। अब ऊष्मा को प्राप्त ऊंचाई तक ले जाती हैं, और यही कारण है कि किसी भी अक्षांश पर सौरमंडल की ऊंचाई शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है, और इसे समनी क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको बतानी है। अब देखिए क्यों ज़रूरी है, जैसे हमने बात की कि सौरमंडल में ही लगभग आपकी जो मौसम संबंधित जो भी परिवर्तन होते हैं, मतलब वर्षा का होना या संघनन की जो प्रक्रिया होती है वो लगभग इसी मंडल में होती है, और यह परत सबसे सघन परत होती है। सघन का मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब पास पास, मतलब काफ़ी मोटी होती है, समझ लीजिए एक प्रकार से। और इसी परत में धूल कण और जल वाष्प अधिक मात्रा में होता है। धूल कण जिससे हमारे वर्षा होती है, जल वाष्प जो भी वर्षा करवाने में ये भी महत्वपूर्ण होता है, तो इसी मंडल में ये पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है कि मौसम तथा जलवायु में क्या अंतर है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको मतलब इसका पता होना चाहिए कि भाई मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है। देखिए, मौसम जो होता है बेसिकली वो तापमान हो गया, वर्षा हो गया, वायुदाब हो गया, आर्द्रता हो गया, वायु की दिशा हो गई, गति आदि जो तत्व होते हैं ना, मतलब एक प्रकार से जो औसत एक छोटी समय अवधि के लिए होते हैं, और छोटे क्षेत्र में एक प्रकार से ये ज्ञात पाए जाते हैं, मतलब छोटे क्षेत्रों में ही उनका प्रभाव होता है, ज़्यादा बड़े क्षेत्रों में नहीं होता है। वहीं पर जो आपकी जलवायु होती है, आप कह दीजिए वो तत्व बहुत एक प्रकार से औसतन लंबी अवधि के लिए भी होते हैं और लंबे समय के लिए भी होते हैं। मतलब दोनों में अगर आपको समझना है एक सिंपल सा डिफरेंस, तो मौसम जो होता है वो छोटी अवधि के लिए होता है और छोटे क्षेत्र में होता है, वहीं पर जो आपकी जलवायु होती है वो लंबे समय के लिए और लंबे क्षेत्र में आपके पाई जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना जरूरी रहेगा। अब देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न ये रहेगा कि भैया एरोसोल्स क्या होता है, एरोसोल्स है क्या। देखिए, वायुमंडल में एक प्रकार से जो जल कण है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जेनोन है, क्रिप्टोन है, नियोन है, आर्गन है एक प्रकार से, ठीक है, और बड़े ठोस जो कण मिलकर एक एसोल्स का निर्माण करवाते हैं, मतलब एसोल्स बनाते हैं एक प्रकार से, बहुत सारे तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, एसोल्स या एयर सोल्स बनाते हैं एक प्रकार से, इसको एयर सोल्स आप कह सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल के संघनन की संघनन जो है एक प्रकार से, उसके संक्षेप में बताइए कि होता क्या है, मतलब हमारे वायुमंडल में एक्चुअली चीज़ें क्या क्या हैं और किस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, और संघनन जो इकट्ठा चीज़ें होती है उसमें क्या क्या होता है। देखिए, अब हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे वायुमंडल में गैसेज जो होती हैं ना वो काफ़ी मात्रा में हैं। अब बहुत सारी गैसेज हैं, लेकिन अभी हमने बात की ऊपर कि कुछ गैसेज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें ऑक्सीजन 78% है, ऑक्सीजन आपका 20% लगभग, देखिए 20.95 है लगभग, आपको 20% बोल सकते हैं, और ये 78.8 है, इसको आप 79% भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो दोनों का लगभग। लेकिन इसमें क्या है कि देखिए काफ़ी ज़्यादा थोड़ा रेशो कम है, तो जो बचा कुचा गैसेज है ना, बचा कुचा परसेंटेज है वो ये बाकी गैसेज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया, सॉरी आर्गन हो गया, और सभी जो महत्वपूर्ण गैसेज हैं उनका अनुपात बाकी है, ठीक है।
बाकी हमारे अब वायुमंडल में और क्या पाया जाता है, जल वाष्प होता है। जल वाष्प का मतलब एक प्रकार से कि हमारी जो जो हमारा वायुमंडल है वहाँ पे नमी की मात्रा कुछ होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वायुमंडल में जल वाष्प की जो मात्रा है वो जलवायु पर निर्भर करती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निर्भर करती है। जो जलवाष्प की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निर्भर करती है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो जलवाष्प होता है आपका, वो जलवाष्प सूर्य का तप सोख लेता है। अगर मान लीजिए जहाँ पर तापमान ज़्यादा है तो जलवाष्प आपका सूख जाएगा, लेकिन जहाँ नहीं है, जहाँ तापमान थोड़ा कम है, तो वहाँ पर जलवाष्प ज़्यादा रहेगा। तो जलवाष्प की जो मात्रा है वो पृथ्वी में कहीं अधिक और कहीं एक प्रकार से ज़्यादा रहती है, ठीक है। और जलवाष्प क्या करता है कि अधिक गर्म और अधिक ठंडा होने से पृथ्वी को बचाता है। जलवाष्प का एक फ़ायदा है कि वो हमारी पृथ्वी को अधिक ठंडा एक प्रकार से नहीं होने देता और ना ही अधिक गर्म होने देता, ठीक है। अब धूल कण भी हैं, तो हमारे धूल कण जो होते हैं वो आर्द्रता ग्रहण करके एक केंद्रक का निर्माण करते हैं। आर्द्रता मतलब मान लीजिए धूल के कण, ये धूल के कण है सारे के सारे, ये आर्द्रता को इन्होंने अपने आप में संभाल लिया और एक केंद्रक का निर्माण किया और ये बादल बन गए, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे वायुमंडल में महत्वपूर्ण गैसेस कौन कौन सी। तो अभी हमने डिस्कस बार बार किया है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस हैं, बट नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाकी गैसेस उनके मुकाबले कम हैं। देखिए, अब ऑक्सीजन जो गैस अभी हमने ऊपर करा था कि ऑक्सीजन गैस जो है लगभग 78.08% है, जो कि हमारे जो पौधे होते हैं ना उनको प्रोटीन देने में काफ़ी सहायक है। अब उनके लिए भोजन का कार्य करता है, भोजन की अब मुख्य भूमिका निभाता है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो पेड़ों को फूड नहीं मिलेगा, और फूड नहीं मिलेगा तो पेड़ तो खत्म, और पेड़ अगर खत्म हुए तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन पर प्रभाव पड़ेगा और मानव जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका। दूसरा देखिए, ऑक्सीजन को तो जीवनदायिनी एक माना जाता है कि अगर ऑक्सीजन है तो जीवन है, वरना जीवन ही नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, आप सांस नहीं ले पाएंगे और आप मर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो इस प्रकार से ईंधन नहीं जल पाएगा, मतलब जलाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप कच्चा खाना तो नहीं खा सकते, आदिवासी तो आप हमें एक प्रकार से मतलब आदिम युग में तो है नहीं हम, तो यहाँ पर आपको मानव को मतलब आग तो चाहिए चाहिए, तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है उसके लिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो भारी मात्रा में एक प्रकार से जो गैसेज होती है ना, जो ये गैस होती है काफ़ी भारी होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे क्या होता है कि सबसे निचली परत में एक प्रकार से ये होता है। और ये खासकर आपको बताना कि ये 0.03% आपका है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये भी पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा, पेड़ पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। एक होता है आपका ओजोन गैस, ठीक है, यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही एक प्रकार से अति न्यून मात्रा में है। न्यून मात्रा का मतलब है बहुत कम मात्रा में है, और यह सूर्य से आने वाली तेज जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनको अवशोषित करता है। तो ओजोन जो गैस होती है, मान लीजिए सूरज से कोई किरण आ रही है बहुत हार्मफुल है, यूवी रेज कहते हैं उसको, तो सूरज से मान लीजिए ऊपर से आपकी किरणें आ रही है बहुत हार्मफुल है हमारे लिए यूवी रेज, तो उनको एक प्रकार से जो ओजोन है वो उनको रोक लेता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओजोन पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण यही है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, हमारा जो वायुमंडल मान लीजिए यूं है तो इसकी 5 परतें होती हैं। पहला आपका शोम मंडल सबसे निचला और यही जीवन है, दूसरा आपका है समताप मंडल, ठीक है, तीसरा आपका है मध्य मंडल, चौथा आपका है आयन मंडल, पाँचवा आपका है बाह्य मंडल। तो इसी प्रकार से डिफ्रेंशिएशन करा गया और 5 मंडलों में हमारे वायुमंडल को बांट दिया गया है। तो देखिए, शोम मंडल जो होता है सबसे निचली परत होती है, और शोम मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो 13 है, लेकिन मैक्सिमम कितनी है आपकी 18 है, और ध्रुवों पर 8 है। ये देखिए हमारा, देखिए मान लीजिए ये है, तो जो भूमध्य रेखा है, देखिए यहाँ पर ये विषुववृत्त रेखा है, ठीक है, ये हमारा ध्रुव है, ये नीचे वाले ध्रुव है, और आपका ये देख कौन सा मध्य रेखा कह रहा, तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई लगभग आपका 18 रहेगी, ध्रुवों पर यहाँ 13 रहेगी, यहाँ पे आपका 8-8 रहेगी, और 13 जो है बाकी जगह यहाँ यहाँ 13-13 रहेगी, ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। और जो भी मौसम संबंधित जो भी परिवर्तन होते हैं वो इसी मंडल में होते हैं, मतलब मौसम में जो भी चेंजेस होते हैं वो इसी में होते हैं। मानव के लिए बहुत ज़रूरी है आपका ये मंडल, जीवनदायिनी प्रकार से, ठीक है। अगला देखिए, समताप जो मंडल है वो उसकी क्या विशेषता है। देखिए, समताप मंडल 50 किलोमीटर की रेंज में, मैंने पहले ही बताया था, और इसके सबसे जो निचला भाग होता है वो 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। और ऊपर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है, और इस परत के निचले भाग में ओजोन जो गैस होती है वो उपस्थित होती है, और पराबैंगनी रेज को यही रोकता है। मतलब अगर आपको याद रखना चाहिए कि जो पराबैंगनी रेज आते हैं, मतलब यूवी रेज आती हैं, वो किस मंडल में रोक ली जाती हैं, तो वो समताप मंडल में होती हैं, और वहीं पर ओजोन लेयर उसको या ओजोन गैस उसको रोक लेता है।
तीसरा देखिए मध्य मंडल ने लगभग आपका 50 से, देखिए यहाँ 90 लिखा है लेकिन आप 80 लिख सकते हैं, ठीक है, 50 से 80 भी आपके एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे आप 50 से 80 लिख सकते हैं कि ऊंचाई पर पाया जाता है और ये तापमान में गिरावट इसमें एक प्रकार से एक दर्ज की जाती है। चौथा आपका है आयन मंडल, इसका जो विस्तार है लगभग 80 से 400 है, देखिए यहाँ 100 से है बट आप 80 से 400 भी कह सकते हैं कि इसका जो विस्तार है वो यहाँ पर है, और इसी से जो हमारी रेडियो की जो भी रेडियो की तरंगी होती है ना, रेडियो आपको प्रसारित होता है, तो इसी से इसी आयन मंडल से परिवर्तित हो जाती है। मान लीजिए आयन मंडल है तो यहीं पर जो रेडियो की तरंगी ऊपर गई और वापस धरती पर आ गई, मतलब हमारी पृथ्वी पर आ गई, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला देखिए वायुमंडल है और सबसे ऊपरी परत यही है, इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी बहुत कम जानकारी है, और धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है ये वाला, ठीक है, मंडल जो आपका वायुमंडल है, तो ये काफ़ी याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अगला देखिए हमारा जो प्रश्न है वो भी बहुत ज़रूरी है कि मौसम और जलवायु के मुख्य तत्व और मुख्य जो प्रमुख एक प्रकार से जलवायु नियंत्रक है ना, उनका वर्णन हमें करना है। देखिए हमारे मौसम को परिवर्तित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनमें से तीन तो पहले हम इनको जानते हैं कि मौसम और जलवायु को तापमान, वायु दाब का पवन एवं टेम्परेचर, आर्द्रता एवं वर्षण। देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो टेम्परेचर होता है ना, तापमान होता है, वो हमारे मौसम को, हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। उसी प्रकार से जो दबाव और पवन है, मतलब प्रेशर एंड विंड है, वो भी काफ़ी ज़्यादा करता है। आर्द्रता और वर्षण, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा एक प्रकार से और प्रिसिपिटेशन ज़्यादा रहेगा एक प्रकार से, तो वहाँ भी जो मौसम है और जलवायु है वो चेंज होता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जलवायु के तत्व जो हैं स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न होते हैं और इसे जलवायु नियंत्रक प्रभावित करते हैं, और ये जलवायु नियंत्रक जो होते हैं इसके कुछ प्रकार हैं, मतलब एक प्रकार से नियंत्रक करने वाली चीज़ें हैं, जिसमें अक्षांश है, जिसमें स्थल और जल का वितरण है। अक्षांश मतलब आपके जो उत्तर अक्षांश है, दक्षिण अक्षांश है, ये प्रभावित करते हैं, और स्थल से दूरी, स्थल एवं जल से दूरी, मतलब जो जितना जल से दूर रहेगा वहाँ उतना उसका टेम्परेचर में चेंजेस रहेगा, और जितना जल के पास रहेगा उतना उसका टेम्परेचर में कई परिवर्तन ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। उच्च और निम्न वायुदाब पेटी, मतलब जहाँ पे जो प्रेशर है वो कम है या ज़्यादा है वहाँ पे डिपेंड करता है, और पवन जो एयर है, जहाँ पे जैसी एयर रहेगी उस हिसाब से जो मौसम है, जो जलवायु है, वो चेंजेस होता रहेगा, ठीक है। ऊंचाई के साथ भी आपको पता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। पर्वतीय बाधा, मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में एक जैसा तापमान, जैसे लगभग, मतलब एक जैसा नहीं कह सकते बट ठंडा तापमान लगभग रहता है और वहाँ का मौसम अलग रहता है। और महासागरीय धाराएं, मतलब हमारे जो महासागर है उनमें चलने वाली जो हवाएं हैं, जो धाराएं हैं ना, वो भी किसी क्षेत्र विशेष के मौसम और जलवायु को प्रभावित करती हैं, और अन्य भी जो विभिन्न प्रकार के जो तूफान हैं वो भी मौसम को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए इसको करते हैं और अंतिम प्रश्न हमारा यही रहेगा, और ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम में आ भी सकता है आपके। तो प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी के धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारण, कि हमारा जो पृथ्वी है उसके तापमान का जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाले क्या कारण हैं, ऐसा क्या कारण है कि हमारा जो पृथ्वी है उसके तापमान को ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अक्षांश होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारी पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करते हैं, तो किसी भी स्थान पर या तापमान उस क्षेत्र विशेष में, तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य तप पर निर्भर करता है। सूर्य तप का मतलब जिस क्षेत्र में जितना सूरज का प्रताप, एक प्रकार से ताप आएगा या सूरज की रोशनी आएगी ना, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ का तापमान ठंडा रहेगा या गर्म। अब जहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा नहीं जाएगी ओवियस है वहाँ ठंडा रहेगा, और जहाँ सीधी पड़ेगी वहाँ पे गर्म रहेगा, ठीक है। दूसरा है उतुंगता या ऊंचाई। देखिए उतुंगता बड़ी छोड़ दीजिए, आप ऊंचाई याद कर लीजिए बस, ठीक है। तो वायुमंडल में पार्थिव विकिरण द्वारा क्या होता है कि जो निचली परतें होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, मतलब हमारे वायुमंडल की जो निचली परतें हैं एक प्रकार से वो गर्म हो जाती हैं, और यही कारण है कि समुद्र तल के पास स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भागों में स्थानों में तापमान कम होता है, मतलब जो समुद्र के पास जो क्षेत्र विशेष है वहाँ के तापमान अधिक होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं, और जो उससे ऊंचे स्थान है वहाँ पे तापमान कम रहता है लगभग आपके पर्वतीय क्षेत्रों में, मतलब, ठीक है। अब समुद्र से दूरी, देखिए समुद्र के पास जो क्षेत्र है वहाँ का तापमान लगभग, आप मान के चलिए कि जो क्षेत्र विशेष होता है किसी भी स्थान पर क्या होता है कि तापमान को ये लगभग प्रभावित करता है। दूसरा समुद्र से जो दूरी होती है ना उस स्थान को काफ़ी ज़्यादा ये एक प्रकार से ठंडा या गर्म होने पे मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। देखिए क्या होता है कि जो समुद्र है, जो समुद्र के पास स्थित क्षेत्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चेंजेस टेम्परेचर नहीं होता है, और समुद्र आपको पता होगा कि समुद्र ठंडा भी देरी से होता है और गर्म भी देरी से होता है स्थल की अपेक्षा, ठीक है। तो इस चीज़ को ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब समुद्र तल से दूरी काफ़ी प्रभावित करती हैं। दूसरा देखिए हमारा जो महासागरीय धाराएं हैं, हमारे महासागर में जो चलने वाली धाराएं हैं, वायु राशि मतलब हवाएं, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तापमान को प्रभावित करती हैं। अगर ठंडी धाराएं हैं
तो वो उस क्षेत्र विशेष को ठंडा कर देंगी अगर ठंडी धाराएं आ रही हैं, वहीं पर अगर गर्म धाराएं आ रही तो उस क्षेत्र विशेष के तापमान को बढ़ा देंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा वायुमंडल और वायुमंडल से संबंधित जो भी हमारा क्वेश्चंस थे इसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो आठवां चैप्टर आपका वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप इस तरीके से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इससे संबंधित जो भी आपको अगर प्रॉब्लम फेस होती है इसको इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, हमारी जो टीम है आपको बिल्कुल इसका आंसर देगी। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।